बहुत खूबसूरत हो आप। चीक चपाक डम डम, चीक चपाक डम डम। यार तेरे को हाउसवाइफ का मतलब ये होता है तौबा तौबा। फिराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। यार पुत्र जट दामन दानी हार, या तेरा सुपरस्टार दे सिकारा का। क्या नाम? अलीशपा। कितनी लड़कियां आशिक होती हैं? क्या बात रो रहा था? दिलाऊं मैं यकीन तुझे। एलिफेंट एलिफेंट। यार मुझे पैसे दे दो, तुम्हें मैं एक हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे दे दो। पाँव ना पकड़, मेरे पास है इसलिए पकड़ लो, लेकिन पैसे नहीं मिलने। हाँ करना है तो प्यार कर, जिद पूरी तू एक बार कर। और तीसरी चीज ये बताएगी, मैं 72 दफा लेता सांस, लेकिन ये गलत। गुड बाय गया। डार्क लाइफ मशहूर सीगी नहीं है, तेरे सुए सुए रंग दा शकीन हो गया। जट पैसियां दे वट्टे सीगा, मौत वंडदा नहीं तैनू वेखिया ते तुम इतने मारे क्यों? घर खाने को कोई नहीं देता? संदन क्रीम लगाते रात को। 8 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को, आज तक इसमें मार्क्स नहीं उतारा। हमारे बाद महफिल में अफसाने ब्याह होंगे। लड़कियां तो होती ही धोखेबाज हैं, सही। इसमें कोई मेरे ख्याल से झूठ वाली बात ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मिकिलन शेख एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम बूझ पहली। नाज़रीन मैं इस टाइम मौजूद हूँ अमाना मॉल में, और जैसा कि आपको आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ बड़े मज़े मज़े की पहेलियाँ। और आज जो पहेली है वो ये है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है, और जो दूसरी पहेली है वो ये है कि वो ऐसी कि इंसान एक दिन में कितनी दफ़ा सांस लेता है। तो चलते हैं आवाम की तरफ और करते हैं उनको तंग, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप सुनाए। मैं ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद फरहान अकरम। आपका क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद, क्या करते हो? टेक्निकल कॉलेज में हम काम करते हैं, ऑटो मैकेनिक का कोर्स कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, स्टूडेंट हो? यस। मैं भी यही करता हूँ। आप भी यही करते हो? यहाँ क्या लेने आए हो? यहाँ टूर था स्कूल का, तो मैं घूमने फिरने आए थे। मैं कहा चलो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, नाले दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी सबसे। अच्छा टूर था, लेकिन अमाना मॉल में? नहीं, टूर और भी जगह था, मानव फोर्सेस वगैरह हो गया और कई जगह भी था। स्कूल के स्टूडेंट? हाँ स्कूल के स्टूडेंट। यूनिफॉर्म की तरह? आपका यूनिफॉर्म नहीं है, बस किसी और कॉलेज के साथ आए आएंगे। किसी गांव के लग रहे हो? गांव की हो? हाँ गांव से ही हैं। कौन सा गांव? गांव से है मेरा उकाड़ा के साथ है, 4 GD उस उधर मैं उधर से आया हूँ। उकाड़ा की कोई फेमस जगह? उकाड़ा की कोई फेमस जगह फिलहाल तो मैं अभी अभी ज्वाइन किया न्यू। उकाड़ा ज्वाइन किया है? उकाड़ा ज्वाइन किया है, 2 महीने हो गए कॉलेज में। अच्छा माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं ग्लासेस में, काश आपकी आंखें भी होती तो आप ज्यादा प्यारे लगते। ठीक है। अच्छा आंखें थी? वैसे में शायद आंखें नहीं थी, इस वजह से ग्लासेस लगाए हैं। वैसे ये मॉल में आपने ग्लासेस क्यों लगाई हुई है? रात का टाइम है। वैसे फन के लिए। किसके साथ फन करने का? फन ये दोस्त है ना, फन ही फन है सारा। अच्छा सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है? क्वेश्चन क्वेश्चन VIP किया, अब जवाब सोच लिया। आप तो मुझे वैसे इंटेलिजेंट लग रहे हो, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? नहीं पता, आइडिया नहीं है। स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए। आप अपने हुसन का राज बताओ यार। हुसन का जो रब ने अता किया वो ही बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं है, बस क्या बताऊँ हुसन का राज। कितनी लड़कियाँ आशिक होती हैं? कुछ भी नहीं, लड़कियाँ हमारे साथ कहाँ हमारे पे कहाँ आशिक होंगी। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, इतना हुसन दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रब ने दिया वो बहुत ही अच्छा है, इस पर ना ही गुरूर किया अब तक। गुरूर कभी नहीं किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बनता भी नहीं है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो मुझे बताओ कि इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस ले सकता है? इंसान मुस्कान नहीं सांस। पता मुझे चल आवाज आ रही है आपकी। इंसान मैंने कहा शायद मुस्कान कुछ जानने वाली है ना। नहीं मुस्कान हमारे कहाँ जब तक जिंदा रहे। नहीं 12 घंटे में बता दें, 12 घंटों में इंसान कितनी दफा सांस ले सकता है? इंसान काम क्यों रहे हो मुझे ये बताओ, जितनी उसकी काम क्यों रहे हो? जितनी उसकी मर्जी या सांस मर्जी नहीं ना चलती। अच्छा चलो आप 2 मिनट अपनी सांस रोक के बताओ, दिखाओ 2 मिनट। एक मिनट तक रो सकती है? एक आप कह सकते हो ना कि जब जैसे दिल करे। एक मिनट तक रो सकती, 2 मिनट तक नहीं हो सकती। क्या लगता है टपक जाऊंगा? नहीं लगता कि मैं टपक जाऊंगा, रोकूंगा सांस तो नहीं, इतना भी नहीं है टपक 2 मिनट में।
शायद नहीं हो सकता, एक मिनट कर लूंगा, एक मिनट एक मिनट। आंखें लाल होना शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, एक्साइटेड है, एक्साइटेड है, नर्वस भी है थोड़ा सा। अच्छा वो क्या चीज है जो सिर्फ हम अंधेरे में देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? अंधेरे में नहीं देख सकते हैं वो इंटेलिजेंट, मुझे लगता है, मुझे लगता है ये सही जवाब देंगे। अंधेरे में थोड़ा सोच लो, सोच ले, इंटेलिजेंट है, सोचना तो पड़ेगा। इंटेलिजेंट हम कहां हैं? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आपकी जिंदगी में, मतलब क्या क्वेश्चन करूं मैं आपसे, चलो मुझे ये बता दो कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कील भी हजम कर लेता है? कील भी हजम कर लेता है? आपसे पहली बार सुन रहा हूँ ये सवाल, और जानवर तो पहले किससे सुनते हो इस तरह के सवाल? नहीं सुनते, अब जो आप बता रही हैं कभी। अच्छा कोई शेर आता है? हाँ शेर आता है, सुनो। पंजाबी है, इस वास्ते चुप्पा जिंदगी दा हर हरबा ला के डिठा, ओंदी सिक विच मार जमीर मुकाया, वत जुतियां टा के डिठा, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਆਈ ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਆਂਦੀ, ਗੱਲ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਕੋਈ ਅਮਾਰ ਖਲੋਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਡਿੱਠਾ। ਕੀ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਥਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਤਾ ਹੋਗਾ। ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਤਾ, ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸੁਣਾ ਦੋ। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं, कहीं दूर कहीं मैं जाऊं मैं, मिला जो तू मुझे यहाँ, दिलाऊं मैं यकीन तुझे। बस ये इतना ऐसा ही आता है, गाना ही उल्टा सीधा कर दिया है। वैसे अच्छा था, वेरी नाइस, क्लैपिंग हो जाए इसके लिए। आप कोई सुनाए शेर हो, शेरो शायरी? इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। कोई सॉन्ग? सॉन्ग नहीं सुनता मैं। सुनते ही नहीं हो, अच्छे बच्चे हो। और कुछ? अच्छा चलो ये बताओ कि मेकअप ना होता तो लड़कियाँ क्या करती? कोई नहीं, आटा चल रहा है। आटा क्या? आटा क्या, मकई और पाकिस्तान मकई तो नहीं जाएगी। मैंने कहा अगर मेकअप ना होता तो लड़कियाँ क्या करती? लड़कियों ने क्या करना है, लड़कियां अभी भी नहीं रुकती बगैर मेकअप के, आ ही जाती हैं बगैर मेकअप के। क्या डर जाते हो? नहीं कभी देखा, लड़कियां मेकअप ना होता तो शायद बर्तन, जो बर्तन धो रही होती घर में, वो घर में रहती बाहर, क्योंकि जो लड़कियां उनके पीछे ना भागते, लड़की उनके पीछे ना भाग ना भागते अगर मेकअप ना। आप लोग फिर मेकअप के पीछे भागते हो ना? हम क्यों भागे, नहीं। तुम तो मुझे शक्ल से इंटेलिजेंट लगते हो, क्या मतलब खूबी है आपके अंदर, क्या इतने इंटेलिजेंट मुझे क्यों लग रही? खूबी तो नहीं है, बस सादा से इंसान है, कभी प्यारी प्यारी बातें करते, बस जिंदगी थोड़ी सी है, कुछ सका जाती जब मजबूरी हो तो। चलिए आपको अच्छा सा मैसेज दे दे हम। मैसेज यही है कि दुपट्टा ज्यादा मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि सिस्टर, क्योंकि आजकल का माहौल पता है सबको नहीं दुरुस्त है। ये दुपट्टे एक ऐसी चीज है जो जो काफिर लोग हैं ना, इन्होंने हटाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये देखते नहीं कि हमारे माशाल्लाह खाना काबे में गुलाब चढ़ाया गया, कुरान मजीद में गुलाब है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इनको गुलाब मिल जाए तो क्या ही बात है, इन्हें गुलाब की इज्जत मिल का पता चल जाए ना, दुनिया आबाद हो जाएगी। क्योंकि हमारा असल जो ना ईमान, ताज़ा जो ईमान है वो लड़की से शुरू होता है, यही जो आपको गुमराह भी कर देगी और ये रास्ते भी लगा देगी। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक, क्या नाम है? सबा। सबा क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती, वेली रहती हैं, वो इनकी हंसी से पता चल गया। नहीं नहीं वेली तो नहीं रहती। हाउसवाइफ है? नहीं नहीं शादी नहीं हुई अभी। बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई करनी भी नहीं है, ठीक है ठीक है। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? महविश। महविश क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ, बच्चे संभालती। बच्चे संभालती हैं? लोगों के बच्चे संभालती हैं? अपने अल्हम्दुलिल्लाह। हाउसवाइफ का मतलब क्या होता है? हाउसवाइफ का मतलब ये होता है घरों के काम करना, काम करना, बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना।
ठीक हो? फालतू बातें सुनना। जॉइंट फैमिली में है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ससुराल कैसा? बहुत अच्छा। आपने तारीफ करनी है क्योंकि ये वीडियो वायरल होगी ना, तो फिर पता है ना ससुराल वाले जिस तरह पेश आएंगे। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ससुराल बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड कैसे हैं? बहुत अच्छे, नाइस। अच्छा चलिए, मर्दों में पाई जाने वाली कोई तीन बुरी आदतें बता दो। ये झूठ बहुत बोलते हैं, और जब शाम का टाइम होता है कहते हैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ, जाना कहीं और होता है और उधर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, मेल मेल फ्रेंड्स, कुछ और ना समझना। अच्छा, हाँ। तीसरी कोई बुरी आदत बताओ। तीसरी बुरी आदत, कपड़े जब चेंज करने होते हैं तो रखने कहीं होते हैं, कहीं और देते हैं और फिर खिलारा डाल के भाग जाते हैं, गन डालते हैं। ये तो वो उनकी ना वो खूबसूरत सी हैबिट्स होती हैं मर्दों में पाई जाने वाली, ठीक है। अच्छा चलिए, हम बड़ा मशहूर होते हैं। अच्छा चलो मुझे ये बताएं, बच्चों को संभालना मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल है, तोबा तोबा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बेटी बेटा। दो बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। जी सही हो गया। जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा है कि अलग रहना अच्छा है? नहीं नहीं, जॉइंट फैमिली में रहना बहुत अच्छा है। उसके फायदे जरा बताएं जॉइंट फैमिली में रहने के। उसके फायदे ये हैं कि आपके अच्छे बुरे वक्त में वो आपके साथ है, जब आप उनके साथ नहीं रहोगे तो जाहिर सी बात है आप उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे, तो वो भी आपके साथ अच्छा कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे हम इकट्ठे रहते हैं, वो हमारे मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ कम्प्रोमाइज करते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चों। आपसे सवाल ये करना है कि लड़के बेवफा होते हैं या लड़कियाँ? आजकल तो वैसे दोनों ही हैं, किसी पे बिलीव करना बहुत मुश्किल काम है। दोनों ही हैं? हाँ दोनों ही। ज्यादा आपको क्या लगता है? ज्यादा तो मर्द। फ्रॉड पन किसके किसके अंदर होता है? लड़कों में। जाहिर सी बात, लड़के अपनी बुराई तो खुद नहीं ना करेंगे, लड़कों में होता है, ज्यादा झूठ बोलते हैं लड़के, बल्कि आपने बोला ना ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। कोई शेर या कोई सॉन्ग आता है आपको? नहीं। मियां से मोहब्बत है, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज है, फिर तो मोहब्बत नहीं होनी। नहीं, मोहब्बत जारी से बात है, अरेंज के बाद फिर लव हो ही जाता है। ये तो है। चलिए उनके लिए कुछ सुना दे। उनके लिए क्या सुनाऊं? कोई शेर सुना दे। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बस थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा। अभी एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, तो वापस आते हैं और करते हैं आवाम से गपशप। वेलकम बैक नाजरीन, अभी हम चलते हैं जॉयलैंड की तरफ, जो यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ पे खेलते हैं, जंपिंग करते हैं, तो वहाँ चलते हैं और करते हैं बच्चों से भी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है? मेरा हाल ठीक है। क्या नाम है? मेरा नाम आर्या है। मारिया? आर्या। आर्या, आर्या क्या करती हो? मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। माशाल्लाह, व्लॉगिंग भी कर रही है, स्टडी भी कर रही है। व्लॉगिंग में क्या करती हैं आप? व्लॉगिंग में मैं और मेरी नानो जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना वगैरह घर में बना के, मैं और मेरी नानो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग लोगों को। ये कब से व्लॉगिंग शुरू की है? व्लॉगिंग रिसेंटली शुरू की है, और जो नानो है वो 2 साल से मतलब तकसीम कर रही हैं। स्टडी क्या कर रही हो? स्टडी मैं मतलब अभी पढ़ रही हूँ, 7th में जाना है, 7th में। बड़े होके क्या बनने का इरादा? बड़े होके डॉक्टर। डॉक्टर ही क्यों? डॉक्टर ही क्यों, पेशेंट्स का इलाज करना है। मैंने इसका इलाज करना है, पागलों का। पागलों का सबसे पहले घर वालों का इलाज कर। हाँ सबसे पहले। अच्छा, ये आपकी सिस्टर है जी, आपकी कजन है। yes. लड़ाई होती है इन दोनों की? होती है, मेरी नहीं होती है। तुम्हारी किसी बहन से लड़ाई नहीं होती? होती है, इससे थोड़ी बहुत होती है। फिर लड़ाई होने की क्या वजह? ऐसे ही छोटी छोटी बातों में फिर मारती हो तो मेरे ख्याल से तुम्हारा हाथ बर्दाश्त नहीं करती होगी। नहीं नहीं, मारते नहीं है, बस बहस होती है, फिर दोस्ती हो जाती है। कितने बहन भाई हो? हम लोग 4, 2 बहनें 2 भाई। 2 बहनें 2 भाई। सबसे बड़ी हो? सबसे बड़ी हूँ। रोब है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि बहुत ही आसान सा हम आपसे पहेली पूछेंगे, बहुत ही आसान सी है, कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? जंप नहीं कर सकता? कौन सा जानवर है? डॉग। तुमसे मिलता जुलता है? मुझसे मिलता जुलता है मंकी है। मुझसे मिलता जुलता है फिर होगा, नहीं पता चल रहा। थोड़ा थोड़ा और हिंट, थोड़ा और हिंट दूँ। हेल्दी बहुत है।
हेल्दी पांडा हेल्दी है तो भी पांडा ही हुआ, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी। क्या होता है? आइस बेयर, आइस बेयर नहीं बहुत हेल्दी है, उसकी सूंड भी है, एलिफेंट राइट, एलिफेंट बहुत ही मुश्किल से हिंट दे दे के इन बच्चों ने पूछा। अच्छा क्या सुनाना पसंद करोगी? क्या सुनाना पसंद करें? कोई पोइम, कोई शेर आता है? शेर नहीं आता, सॉन्ग आता है? हाँ सॉन्ग सुनो। आइए चले इंग्लिश में हम लोग कौन सा सुनाए? यो हनी सिंह का, या पुत जट दा मन दा निहार, या तेरा सुपरस्टार दे सिकारा कार, मैं पुत जट दा मन दा निहार, या तेरा सोचूगी साडे बारे अगर बिलो शर्ट दे, अपने तू मम्मी डैडी दा भी दर दिल तो हुन कट दे कट दे कट दे, दुनिया की सोचूगी साडे बारे अगर बिलो शर्ट दे शर्ट दे शर्ट दे, अपने तू मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कट दे, तू मेरी हीर मैंने दिल से माना तुझे, हर विवाह की बाबों से भी माना तुझे, यार तेरा सुपरस्टार देसी काला कार, मैं पुत जट दा मर दा निहार, यार तेरा सुपरस्टार देसी काला कार, मैं पुत जट दा मर दा निहार, जावा तू कहता एक बार, हो मैं पुत जट दा पिछे नहीं हटदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, आप सुनाए, आप क्या नाम है? अलिशपा। आपका? बरीरा। बरीरा बरीरा, इसका क्या मतलब है? पता नहीं, मम्मा को, मम्मा ने रखा है, मम्मा को पता हो। आपका क्या नाम जी? आपके नाम का क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तोंडी का नाम। ठीक हो गया, आपको भी नहीं पता? ठीक हो गया। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, आप यहाँ पे क्या लेने आए हो? हम यहाँ पर फैमिली के साथ आए हैं। पार्क आए थे, ट्रैम्पोलिन पार्क। ठीक हो गया, तो अभी गए नहीं आप अंदर? अभी गए, अभी गए। सैटरडे एंजॉय कर रहे हो जी? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी छलांग बहुत लंबी है? टाइगर। डॉग। रैबिट। रैबिट। कैंगरू। Well done, kangaroo। चले हम दूसरा इनसे एक जानवर के हवाले से पूछ लेते हैं कि वो ऐसे कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? जुबान। डॉग। नहीं। वो कह रहा है, वो कह रहा है तुम्हारी। फ्रॉग। नहीं। कैमल। कैमल की नहीं। ये मुश्किल है। नहीं 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 नहीं। बताएं, वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? जुबान बहुत लंबी है। बहुत लंबी है। तो बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत आसान है। नहीं। आप बताओ। डॉग। नहीं। वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी जुबान बड़ी लंबी है? लिज़र्ड। नहीं। कैट। नहीं। कॉकरोच। नहीं। कॉकरोच की कौन सी जुबान होती है? लाइन। टाइगर। काउंट कर लो जानवर, पता चले। टाइगर। एलिफेंट। जिराफ। जिराफ। वो भी आपको दूसरों ने हिंट दिया, वो आपने खुद नहीं बताया। अच्छा क्या बनने का इरादा बड़े होके? मैंने डॉक्टर बनना है। मेरा ड्रीम है, मतलब कि मैंने आगे जाके ना, मतलब कि मुझे आगे जाना है बड़े होकर। मेरा मुझे बहुत सारा शौक है शूट, मतलब कि ड्रामास में काम करने का, एक्टिंग करने का बहुत सारा शौक है। एक्टिंग करने का शौक है। टिकटॉक बनाती हूँ और मुझे ड्रीम है कि मैं, मतलब कि ना, आपको एक्टिंग करनी आती है? आती है या आपको? चले आपको एक, नहीं आपको छोटा सा अगर दूर रोल तो आप करोगी? जी बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये आपका दोस्त है, आपने इसे पैसे मांगने हैं। ठीक है, और आपने कहना कि मेरे पास पैसे नहीं है, और इस तरह पैसे मांगने हैं कि तुमने इसको इतना इंसिस्ट करना है कि ये मजबूर हो जाए तुम्हें पैसे देने के लिए। स्टार्ट। यार मुझे पैसे दे दो। है नहीं, मैं कैसे दूँ? मैंने फीस भर दी अपनी कॉलेज की। यार मुझे चाहिए, दे दो तुम थोड़े से। कैसे दूँ, जेब में भी है नहीं मेरे पास पैसे। यार मजबूरी है मेरी, दे दो, तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। यार मैं अभी देख लो, गरीब हूँ, मेरे पास है ही नहीं। यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम दे दो ना मुझे। हॉस्पिटल में मेरी मम्मा है, मैंने जाना है उनके पास, मुझे दे दो। पर तुम्हारी मम्मा तो शहर में नहीं रहती। यार तुम्हें नहीं ना पता मेरे शहर से बाहर जाना है, तुम दे दो मुझे पैसे। यार मैं कैसे दूँ, मैंने कॉलेज की फीस भर दी है।
मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम दे दो मुझे, तुम्हें अलग मेरे पास नहीं है यार, तुम समझते क्यों नहीं हो यार, दे दो तुम्हें मैं हाथ छोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे दे दो। नहीं तुम पाँव ना पकड़ो, मेरे पास है नहीं, चलो पकड़ लो लेकिन पैसे नहीं मिलने। यार दे दो ना यार, मेरे पास नहीं है, मैं कैसे दूँ, दे दो तुम्हें खुदा का वास्ता, दे दो, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूँ आपको, मैं तुमसे रिक्वेस्ट। अच्छा ये गरीब दोस्त है तुम्हारा, उसके पास है ही नहीं, अमीर है इसका आपको नहीं पता। ठीक हो गया, कोई सॉन्ग आता है आपको? कोई सैड या कोई रोमांटिक या कोई फनी कुछ भी हो जाए, ये सुनती है ज्यादा, बताओ कौन सा। चलो आप सुनाओ कोई, कौन सा सुनाऊं, आते तो बहुत ज्यादा है। ओ मेरे वो लगा दो, मेरे साथ है। नहीं वो नहीं इतना आता, थोड़ा सा आता है। वे कमले आ वे नादान दिल, हाँ करना है तो प्यार कर, जिद पूरी तू एक बार कर, कमले आ वे कमले आ, हाँ मर्जी अपनी देख तू, जिद पूरी तू एक बार कर, कमले आ वे कमले आ, बस इतना ही आता है। नादान की बस इतना ही, बस इतना ही आता है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह, मेरे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, आई हम करते हैं उनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। आप? ठीक ठाक। आप क्या करने आई यहाँ पे? विंडो शॉपिंग। शॉपिंग? शॉपिंग। क्या खरीदा अभी तक? तो कुछ भी नहीं, कजन्स वगैरह का वेट कर रहे हैं सिर्फ। कजन्स का वेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, आपने उसका मुझे जवाब देना है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है। धोने से गंदी हो जाती है? दिमाग का इस्तेमाल कर। गंदी चीज से धोने को साफ। वो ऐसी क्या चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? जो ऑलरेडी गंदी होगी वही गंदी होगी। वह पहले साफ है, धोने से गंदी होगी। आइडिया पानी ही है। लड़की इंटेलिजेंट है। अच्छा सही हो गया। अच्छा जिला मुझे ये बताए, लड़कियाँ बेवफा होती हैं कि लड़के? लड़कियाँ लेकिन कैसे? कोई भी लाइक जब तक आपका, मेरे ख्याल से जब तक आप एक मैच्योर एज तक नहीं आते, लड़कियां इधर से उधर ट्रांसफर होती जाती हैं। लड़कियां धोखेबाज होती हैं। चलो लड़कियों में पाई जाने वाली कोई तीन बुरी आदतें बता दो। लड़कियों में या लड़कों में? लड़कियों में। आपने लड़कियों को ही बेवफा बोला है तो हम लड़कियों के हवाले से ही बातचीत करें। ओके क्योंकि मैंने तो इसलिए बोला क्योंकि मेरे सामने मोस्टली केसेस इस तरीके से हैं कि अच्छी लड़की के लिए आपने बोला होगा ना, क्योंकि लड़कियां दूसरी लड़की को देख के जालस होती हैं। ओके हाँ ये कह सकते हैं कि आप जालस हुई हैं किसी दूसरी को देख, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कियों में ये बीमारी पाई जाती है, लड़कियों के अंदर जेलसी होती है, और फिर अगर कोई तारीफ ना करे तो उसके ऊपर भी ज्यादा हो जाती है। मतलब अभी मैंने कहा बहुत प्यारी प्यारी लड़की मेरे साथ मौजूद है, खुश हुई? हाँ जी ऑब्वियसली, जाहिर है हर लड़की यही चाहती है कि मेरी तारीफ हो। ठीक है तो तीन बुरी आदतें बताओ लड़कियों में पाई जाने वाली। लड़कियों के अंदर एक तो जेलसी आ गई, और दूसरी गुस्सा, मोस्टली मेरे ख्याल से लड़कियों के अंदर आजकल बहुत होता है, आजकल चल रहा है। और तीसरी चीज़ बताइए, मुंह पे पच्ची होती है, बुरी होती है। सही हो गया, लड़कियाँ तो होती ही धोखेबाज हैं, सही, इसमें कोई मेरे ख्याल से झूठ वाली बात ही नहीं है, सही हो गया। अच्छा चलो मैं ये बताएं कि एक इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस ले सकता है? एक इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस ले सकता है? कितनी दफा? चॉइस होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। चॉइस कैसी? सांस लेना है अल्लाह की बंदी। हाँ जी लेकिन क्वेश्चन एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर आ जाता है ना तो। अच्छा मुझे ये बताओ कि लड़कियां जो है उनको ज्यादा पिंक कलर क्यों पसंद होता है? लाइट कलर, आई थिंक सो लाइट कलर है। नहीं वो तो कहती है मैं खुद भी पिंक रहूं, मैं दिखूं भी पिंक और मेरा बंदा भी पिंक ही हो। पुकी लवर, मेरे ख्याल से लाइट कलर है इसलिए लड़कियों को पसंद। लाइट और भी बहुत से कलर्स हैं, वाइट है, वाइट से ज्यादा लाइट क्या हो सकता है। उसके बाद और भी वाइट, लाइट पर्पल, पर्पल ही है ना, पर्पल कलर है, और भी बहुत सारे कलर्स हैं। बचपन से ही क्यों, बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया जाता है कि यार ये पिंक कलर ही लड़कियों का है, ब्लू कलर है बॉयज का। आपका फेवरेट कलर कौन है? पर्पल। पर्पल है, ब्लैक लग रहा है मुझे। लग रहा है मुझे। चले कोई शेर आता है आपको? शेर तो फिलहाल मोबाइल के अंदर ही पड़े हुए हैं, सुना दूं मोबाइल के अंदर से ढूंढ के कोई आपको
सॉन्ग सुना कौन सा दिल की खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या इस दिल लगी के सिवा मुझको मिला भी है क्या आशिक है ये चोर नहीं है मैं क्या करूं दिल है दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं बस वेरी नाइस थैंक यू सो मच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं क्या नाम है फिदा हुसैन फिदा हुसैन क्या करते हो मैं पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहे हो LLB कर रहा हूँ वो क्यों कर रहे हो वो ना अपनी सेफ्टी के लिए अपनी सेफ्टी के लिए कैसे क्योंकि ये जो मुल्क है ना इसमें रहने के लिए आपको कोई अच्छी सी ताकत की ज़रूरत है या पैसे की हो और या फिर ऐसी हो कि जिससे आप लीगल तौर पे ना अपने आप को सेफ महसूस कर सको इसलिए फिर LLB बेस्ट चॉइस आप क्या करते हैं लॉ कर रहे हैं हम दोनों कज़न हैं लॉ कर रहे हैं सही है आवाम को लूटने का है लूटना नहीं हमने लूटना तो नहीं होता ना ये तो होता ना जब आप फेक केस लड़ते हो यार वो फेक नहीं होता मतलब कि जो आता है ना आपके पास आदमी जो केस लेकर आता है वो आपको गलत गाइड करता है आप तो अपने राइट के लिए मतलब अपने जो आपने एक फील्ड चूज की है उसके मुताबिक आप अच्छा कर रहे हो क्योंकि वो आपको जो कहानी सुनाएगा उसके मुताबिक आपने लड़ना है तो अभी तक क्या सीखा है अभी तक यही सीखा है कि हक का साथ दो यूनिवर्स बिल्कुल ऐसे ही है कोई डिवोर्स का केस आपके पास आ जाता है तो आप उसको डिवोर्स करवाएंगे या उसकी तलाक बचाएंगे नहीं पहले हम उसे समझाएंगे कि बैठकर अपने शौहर के साथ मामला हल कर लें लेकिन जब दोनों तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला तो फिर हमारा तो काम होगा डिवोर्स करवाना आप बताएं क्या करेंगे आप पहले तो वही सेम ही इसको समझाएंगे कि मान जाए ठीक है ना तो उनकी मर्जी है जाए फिर जैसे मर्जी लाइफ को स्पेंड करें यही कर सकते हैं चले मुझे ये बताएं माशाल्लाह आपसे आप लॉ कर रहे हैं कि इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस लेता है इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस लेता है कोई काउंटिंग नहीं कर सकते काउंटिंग हुई है ना नहीं हम लॉ के स्टूडेंट हैं हमने तो सिंपल एफए किया है पैसे भी नहीं की हुई तो इसलिए हमें आईडिया नहीं आईडिया कितनी दफा सांस ले सकता है एक मिनट में तो सुनने में आया ना यार बात सुन जितनी दफा चाहे सांस ले सकता है नहीं वो नहीं एक दिन में कितने आईडिया कोई कुछ भी बता दो ना कोई भी आईडिया ये तो लाखों में आ जाएगा अगर सांस लाखों में नहीं है बिल्कुल भी यार एक दिन से 12 घंटे होते हैं ना और 12 घंटों में एक सेकंड में एक सांस लेगा तो कितने सेकंड बनेगा ये रहता है एक मिनट में 72 दफा लेता है सांस है इंसान एक मिनट में 72 दफा सांस लेता है लेकिन ये गलत है नहीं पता नहीं पता लॉ के रिलेटेड पूछे लॉ के रिलेटेड पूछ सकते हैं लॉ के रिलेटेड मैं अच्छा मुझे ये बताएं कि वो ऐसी क्या चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है पानी पानी अच्छा ये इसका बड़ा पता है आपको अच्छा चलो ये मुझे बता दो इंसान के दिमाग में कितनी हड्डियां होती हैं इंसान के दिमाग में कोई हड्डी नहीं होती इंसान के दिमाग खोपड़ी में तो होती खोपड़ी तो हड्डी है ना खोपड़ी तो खुद होती है वो एक ही है अगर जोड़े तो जोड़े नहीं यार आप ना पार्ट्स है उनके मेरी बात सुन ये MB जानवर के हवाले से पूछो MB हम जानवर लगते हैं आपको नहीं नहीं ये भी बायो में आ जाते हैं लेकिन हम लॉ के स्टूडेंट हैं हमें लॉ के रिलेटेड पूछे लॉ से रिलेटेड हम अगर दिमाग का पूछे तो ना तो हमें इतना दिमाग कम था तो लॉ में आए अगर ज्यादा होता तो हम लॉ में आते ही क्यों लॉ के बारे में मैं क्या पूछूं आप क्या इंटरेस्टिंग है उसके अंदर कुछ भी पूछ ले कुछ लॉ के मुताबिक तो लेकिन बायो के मुताबिक ना पूछे चलो हम लड़कियों के हवाले से आपसे बातचीत करते हैं जी लड़कियों में पाई जाने वाली कोई तीन बुरी आदतें बता दो तीन बुरी आदतें एक तो वो अपनी एज सही नहीं बताती और दूसरा के तुम ही आखिरी हो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं और तीसरा यार बात सुने तीसरी ये कि मैं सुबह नहा के आई थी आप बताएं सबसे बड़ी तो ये है कि वो कहेगी मतलब उनमें साड़ बहुत होता है साड़ जो मतलब एक चीज देख ली ना किसी की तो वो कहेगी ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी अगर वो नहीं ले सकती ना तो वो अगली की चीज को मतलब कहेगी ये ठीक नहीं है मेरी हिसाब से अच्छी है मतलब लड़कियां दूसरी लड़की को देखे जालस होती जालस होती जालस है दूसरी और दूसरी सबसे ज्यादा खुद कोई खूबसूरत कहना अगले को कोई मतलब ना करना कहती है कि मैं ज्यादा खूबसूरत हूं ज्यादा खूबसूरत हूं तीसरी और तीसरी
लड़कियों में बहुत बुराइयां पाई जाती हैं अकॉर्डिंग नहीं है, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, उनमें कोई बुराई नहीं, लेकिन यार ये ना नेचुरल है, ये तो उनकी आदत बन गई। आजकल सबसे बड़ी शादी करने से पहले कहना मुझे खाना बनाना नहीं आता, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप बाहर से ही कहीं से मर्जी मंगवाएं, ये मेरी लगता है। क्या हुआ है, प्यार किया कभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबी है उसके अंदर? उसके अंदर तो सारी खूबियां खामियां है ही नहीं। उसके अंदर सारी खूबियां खामियां तो है ही नहीं जी। क्या खूबी है, कोई एक खूबी बताओ। मतलब मैं जैसे कहता हूँ, एक तो वो मेरी बात मानती है, हर बात है। तो उसके अंदर या ना फर्स्ट सेमेस्टर में ना इसके तकरीबन 3.7 CGPA था, ठीक है ना। जब से इसे प्यार हुआ है ना, बात सुन बात, जब से इसे प्यार हुआ है ना 2.7 पे आ गया भाई, इतनी खूबियां हैं ये, देख ले ये। स्टडी में नाकाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं। अच्छा कहाँ से हो आप लोग? हम बहावलनगर से, बहावलनगर तहसील मिंचनाबाद से। अच्छा वो आपके लहजे से पता चल रहा है कि इसी गांव से हैं आप? जी हम गांव से। तो यहां क्या करने आए हो? यहां बस आज मतलब यहां पे आप स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं लाकर यूनिवर्सिटी से। और ये स्मॉल में क्या लेने आए हो? वैसे विजिट के लिए, वैसे आए हैं। क्या विजिट करने आए? मतलब क्या करने? वैसे पूंडी करने। क्या मिला है? कोई पूंडी के लिए कुछ मिला? यार मिल तो जाता, लेकिन आप पहले मिल गई हमें। या आज का दिन पूरा हो गया इसका। मैम आप लोग क्या कुछ आता है, कोई शेर या कोई सॉन्ग? शेर आता है, दस्ते तज़ीर चूमने वाले हम हैं जंजीर चूमने वाले, ये हकीकत पसंद थोड़ी है तेरी तस्वीर चूमने वाले, सिर्फ बातें ही कर सका रांझा ले गए हीर चूमने वाले। क्या बात है, आप सुनाएं। नहीं बस जो भाई ने सुना दिया वही सही है। आप अलग से सुनाएं। नहीं मुझे नहीं आता। कोई सॉन्ग सुना दे। नहीं अपनी महबूबा के लिए कुछ सॉन्ग सुना दे। नहीं सो नहीं मुझे सॉन्ग नहीं आते। सुना दो, शर्माने वाली कौन सी बात है, वो इंप्रेस हो जाएगी ना। मुझे सॉन्ग आते हैं लेकिन अभी नहीं, ऐसे नहीं, सिद्धू के आते हैं, मैं सिद्धू के मतलब फैन था। वो है ना कालियां ने रातां रातां जो है नेरा जट पैसे आंदे वटे सीगा प्यार जट पैसे आंदे वटे सीगा मौत वंडदा नहीं तैनू देखिया ते जिंदगी ना प्यार हो गया, जेड़ा लैके घूमदा सी जी वैगन काली विच मर्डर बोल दिन प्लेट जाली, गलत कम्मा नू यूसी आंदी जट ने तेरे पिछे लाली, डार्क लाइफ मशहूर सी जी नहीं तेरे सूए सूए रंग दा शकीन हो गया, जट पैसे आंदे वटे सीगा मौत वंडदा नहीं तैनू वेख्या ते जिंदगी ना प्यार हो गया, मेरे गेड़ियां दा मुल तू तार दे हां तू कर दे फिर ना ठार दे, ऐला फड़ गन ना ना कर दी पुलिस तू चंगा गोली मार दे, राता नू सी शहर जेड़ा राइड कर दानी उन दिना विच सरेआम बारे हो गया, जट पैसे आंदे वटे सीगा मौत वंडदा नहीं तैनू देख्या ते जिंदगी ना प्यार हो गया। जिंदगी नाल प्यार हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह पाक का शुक्र। क्या नाम? शाहद। क्या करते हो? मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ है, करते क्या हो? मैं एसी का काम करता हूँ। एसी का काम करते हो? जी जी एसी का। एसी का सीजन आउट हो चुका है तो अभी फिलहाल 6 महीने वेले रहेंगे घर पे। 6 महीने वेले रहोगे? जी जी 6 महीने वेले रहेंगे। तो 6 महीने में कोई और काम नहीं देखना? नहीं फिलहाल हार्ड आराम है, इसलिए काम करने की जरूरत नहीं है। वो तो आप शक्ल से ही हार्ड आराम लग रहे हो। वैसे ही आप किस चीज का डिप्लोमा कर रहे हो? मैं प्लम्बरी का। प्लम्बरी का, अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वो ऐसा कौन सा कारोबार है जो ऐनक के बगैर नहीं हो सकता? ऐसा कौन सा कारोबार है? ऐनक का ही है। सारे ऐनक के बगैर ही होते हैं? नहीं कौन सा सारे ऐनक के बगैर होते हैं? तो जिसकी नजर वीक है वो क्या करेगा? जिसकी नजर वीक वो तो ऐनक लगाएगा, जहर सी बात है, जिसकी नजर वीक नहीं वो तो ऐनक के बगैर भी कर लेगा। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ वो कौन से कारोबार है जो ऐनक के बगैर होते हैं? जो ऐनक के बगैर होते हैं यानी कि मजदूर लगा लो, मजदूर ऐनक के बगैर काम करता है, अगर वो मजदूर काम करे तो वैसे उसकी ऐनक गिरने का मसला हो सकता है, इसलिए वो बगैर ऐनक के करता है काम। ऐनक के साथ कौन से काम किए जाते हैं? ऐनक के बगैर सुनार हो गए, जैसे ऐनक के बगैर काम करते हैं यानी कि ऐनक के साथ जी ऐनक के साथ काम करते हैं। वो ऐनक लगाने क्यों पड़ती है? तो उसमें बारीकी का काम होता है, इसलिए उसे ऐनक लगाना जरूरी पड़ती है। जी जी चलिए मुझे ये बताओ ऐसे क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है वो इसका नहीं पता। नहीं दिमाग का इस्तेमाल करो। धोने से गंदी हो जाती है, धोने वैसे क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है?
नहीं आईडिया। तो तुम इतने मारे क्यों हो, घर खाने को कोई नहीं देता? टेक्सटाइल में पहले ड्यूटी करता रहा, अभी प्लंबर के पहले मैं टेक्सटाइल में ड्यूटी करता रहा। टेक्सटाइल वाले क्या कहते थे, खाना नहीं खाना? खाना तो खाना, वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना। गर्मी बहुत, गर्मी हर तरफ ही है पर उधर बहुत ज्यादा गर्मी। मतलब आपको लगता है गर्मी ने आपका खून चूस लिया? खून चूस ऐसे ही समझे जी। मैं वैसे शुरू से, आप अपने हुसन का राज बताओ। मेरे हुसन का राज कुछ भी नहीं है, व्हाइटनिंग क्रीम। कौन सी व्हाइटनिंग क्रीम? जैसे रात को लगाते हैं नाइट क्रीम लगा लो, या व्हाइटनिंग क्रीम जो भी आप। कौन सी क्रीम लगाते हो, वही पूछ रही। संदल क्रीम लगाते हैं रात को। संदल क्रीम? जी जी संदल क्रीम। इतना रिजल्ट? जी इतना रिजल्ट, जब भी इतने काले हैं। संदल क्रीम का रिजल्ट चेक करो। अब आप ये जो आवाम देख रही है उनसे यही एडवाइस है कि संदल क्रीम का इस्तेमाल ना करें। जी जी बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस ले सकता है? एक दिन में कितनी दफा सांस? मेरे को तो एक दफा भी ना ले वो सांस। तुम तो वैसे ही देख के लग रहे हो एक सांस से तुमने टपक जाना है। कितनी तुम्हारी सेहत? नहीं सेहत तो अच्छी है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। असी पिंडा वाले जट, तुसी बरगर बच्चे, फिर फर्क तो बड़ा पैंदा है ना। अच्छा पिंडा वाले जट सेहतमंद हुंदे आ, बेरा गर्क नहीं होया हुंदा? पिंडा वाले जट इस तरह ही हुंदे आ, वो बस एक गल बनी। अच्छा इसको ये खुद को जट कह रहा है और जट कहते वक्त मुझे शर्म आ रही है, सुनते वक्त शर्म आ रही है। पिंडा वाले जट, जट जेड़े पिंडा वाले जट हुंदे वो इस तरह ही हुंदे आ। पिंडा दे जट इस तरह दे हुंदे आ, हुन जट्टां ने आके दन कुटना शुरू कर दिया। बरगर बच्चे मोटे-मोटे हुंदे आ, उन्हें कोई 10 किलो वजन उठा चुके हैं, उठाया नहीं जाता। नहीं उठाया, तू कितना को चुक लेगा? जितना मर्जी उठा लो। कितना? 20 25 50। इसको उठा लोगे? हां उठाओ इसको। चलो उठाओ, शाबाश। नहीं नहीं मुझे, हां आ जाओ आ जाओ। चल यार नहीं चल ले। मोहब्बत कर, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत करने वालों से बस यही। ये क्या था? मोहब्बत कर, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत करने वालों से। जो कि इसके अलावा कुछ सुनाओ। इसी के अलावा कोई शेर नहीं। कोई गाना सुना दो। गाना नहीं आता? नहीं गाना भी नहीं आता। तुम अपने हुसन का राज बताओ। अल्लाह पाक का शुक्र है। देखें मेरी एक ही बात, अगर मुझे सब कहते ना कि आप की शक्ल अच्छी नहीं है, बहुत खूबसूरत हो आप। ना नहीं ना, जस्ट जो आपका सवाल है ना, जिस दिन मेरी माँ कह दी ना कि आप अच्छे नहीं हो, तो उस दिन मैं मान जाऊंगा मैं अच्छा नहीं। मैं कह रही हूँ अपनी खूबसूरती का राज बताओ। खूबसूरती मेरी है ही नहीं। मैं खूबसूरत लगता? पहला बंदा है जिसको शक है मैं खूबसूरत नहीं हूँ। लगता हूँ मैं खूबसूरत नहीं? मेरा दिल आ गया आप पे। लगता तो नहीं है, मेरा दिल आ गया आप। तू मरना मेरे से आगे। बात बात ठीक है। वैसे कोई अच्छी बात बता दो। कोई अच्छी बात? चलो 10 दफा चीख चपाक डम डम बोल के दिखाओ स्पीड में जट साहब। चीख चपाक डम डम? चीख चपाक नहीं बोलना। बोलो, कोशिश करो। नहीं आना। चीख चपाक डम डम 10 दफा स्पीड में। चीख चपाक डम डम, चीख चपाक डम डम, चीख चपाक डम डम, चीख स्पीड पकड़ो। इतनी भी स्पीड ना पकड़ो कि मेरी खुद की स्पीड लग जाए। चीख चपाक डम डम, 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 चीख चपाक डम डम। ठीक है नाज़िम, जैसा कि आप जानते हैं हम मॉल में मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत सारी आवाम आई हुई है। जैसा कि आज सैटरडे है और जो सैटरडे संडे जो फैमिली है वो अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं एक्टिविटी के लिए और शॉपिंग के लिए, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे मौजूद, हमसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? लाख शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक, क्या नाम? मोहम्मद अली। आपका क्या नाम है? मास्क उतार दो। मैं मास्क नहीं उतार, नहीं नजर लगती आप। कोई बात नहीं, वैसे पहना हुआ है। उतार दो। कोई बात नहीं, वैसे मैंने पहना हुआ है। क्या वजह? बस वैसे, जब से कोरोना आया तब को नहीं उतारता। जब से कोरोना आया तब से लगा के सोते हो? जी सीरियसली, कसम से। नहीं ऐसा क्या ना, मैं कह रही हूँ आपको नजर नहीं लगेगी। नहीं वो बात नहीं है, ये ना मेरा 8 साल पहले का दोस्त है, 8 साल हो गए हमारी फ्रेंडशिप को, आज तक इसमें मार्क्स नहीं उतारा। आज तक इसमें मार्क्स नहीं उतारा? आपने इसका चेहरा नहीं देखा? तकरीबन 7-8 साल हो गए नहीं देखा। सीरियसली मजाक कर रही? नो नो सीरियसली, इसी तरह देखा है। जब क्या रीजन क्या हो सकती है, आपको क्या लगता है?
बस वैसे कोरोना तो मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले आया था ना, तो आप कह रहे हो कि 8 साल से इसने मास्क पहना हुआ है और इसने मास्क नहीं, इसी तरह नहीं उतारा, पता नहीं क्या इशू है लेकिन इसी तरह ही नहीं उतारता। लड़की ना हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़का है बस, वैसे ही ना आदत बन गई इसकी। अच्छा करते क्या हो? स्टडी करते। कौन सी क्लास? 10th में। मैं भी 10th में। 10th में हो तो वो जब वो कहते हैं ना बेफॉर्म के लिए पिक्चर्स वगैरह खिंचवानी हो, वो पहले से दे दी। मैं आपको एक चीज दिखाऊं मोबाइल में, आज ना हमने इसके क्लिक किए और तब भी इसने मार्क्स नहीं उतारा। सीरियसली देख ले जितनी वो, ये देख क्या पागल थे, मास्क से प्यार है? मार्क से प्यार है। हां जी। अच्छा ठीक हो गया, वो कहते हैं ना वो इनकी शादी होगी तो इसने तब उतार इसने बीवी को मुंह दिखाई नहीं देनी बल्कि बीवी ने इसको मुंह दिखाई देनी। इसको एक लड़की पसंद आ गई थी कुछ साल पहले, तब से इसने मार्क्स नहीं उतारा, उसके लिए उतार। मैं तुम्हारा हूँ, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि वैसे क्या चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है? धोने से गंदी हो जाती है, धोने से गंदी हो जाती है, बताओ क्या हो सकता है? धोने से गंदी हो जाती है वो होगा आई थिंक, धोने से गंदी हो जाती है। सोचे दिमाग पे असर डालो जरा, थोड़ा हो सकती है। बहुत पीते हैं, बहुत पीते हैं, पानी गंदा हो जाता धोने से? हाँ तो धोएंगे तो गंदा हो। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस ले सकता है? एक दिन में कितनी दफा सांस ले? 360 दफा या इससे ज्यादा। जब तक हिम्मत है उसकी सांस चल रही है। नहीं नहीं, सांस बंद ना करो आप लोग। हाँ जी हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल तो कोई आइडिया नहीं है बंदा। 12 घंटों में कोई पता नहीं, कोई आइडिया में एनी आइडिया? लात दात ही है, नहीं बंदा सोच भी नहीं सकता। हजारों में बता। हजारों में 3-4 हजार होगी? नहीं नहीं, मिनिमम 50,000 से भी ऊपर है? नहीं नीचे है। नीचे है? 30,000 होगी? नहीं 25,000? नहीं 30,000? चले आपको नहीं पता जी। अच्छा मुझे ये बताओ बेफा लड़के होते हैं या लड़कियां? लड़कियां होती हैं। कैसे? क्योंकि वो पहले बंदे को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बाद में कहती है मेरे घर की मजबूरियां हैं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, ये वो। यही भाई ने बिल्कुल ठीक बताया। वो उसने तो बताया, उसको तो छोड़ दो ना, अपनी राय बता। हमारे साथ कोई लड़की नहीं सेट होती, देखती नहीं है कोई। क्यों नहीं देखती? पता नहीं क्या मसला है। अच्छा इसको ना देखने वाली वजह ये समझ आती है, मास्क लगाया इसको क्या देखना? मुझे तो पता नहीं क्यों नहीं देखती है, समझ से ही बाहर है। क्यों नहीं देख? कोई भी नहीं देखती, पता नहीं देख के ना इग्नोर कर देती है। शक्ल ही ऐसी है, शक्ल ही ऐसी है, पता नहीं क्या मसला है। शक्ल तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है प्यारी है, लेकिन ना कोई देखती नहीं है। देखती नहीं है, चलो कोई नहीं, देख के क्या इग्नोर कर देती है। इग्नोर कर देती है तो क्या इसमें बेवफाई वाली कौन सी बात है? बेवफाई वाली बात ये है, 1-2 साल पहले एक लड़की से प्यार हुआ था, 4-5 माह उससे रिलेशन रहा है, लेकिन ना वो खत्म हो गया सब कुछ। खत्म होने की वजह? कहती मेरे घर की मजबूरियां हैं। तो प्यार करते वक्त मजबूरियां नजर नहीं आई? नहीं, बाद में फिर मजबूरियां नजर आ जाती ना, ये बात है। अच्छा सही हो गया। लड़कियों में पाई जाने वाली कोई 3 बुरी आदतें बताओ। उनकी सारी बुरी आदतें। मैं तुम्हारी हूँ सबसे पहली, और उसके बाद होगी, उसके बाद कौन? मैं तुम्हें छोडूंगी नहीं। हाँ मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं, एक ये होगी। और कौन सी होगी? और होगी बताओ, तुझे तो ज्यादा पता है भाई। जीना मरना एक साथ है। सही हो गया। कोई शेर या कोई सॉन्ग बताओ भाई, कोई शेर। टिकटॉक पे वायरल हो जाएगा। हमारे बाद महफिल में अफसाने ब्याह होंगे, बहारे हमको ढूंढेंगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। आजकल टिकटॉक पे वायरल नहीं यार। हाँ जी हाँ जी। कोई सॉन्ग नहीं आता? सॉन्ग 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 कौन सा सॉन्ग आता है यार, बताओ आप। आइडिया नहीं। कोई जो बड़ा सुनते हो? समझ नहीं आ रही यार, थोड़ा बताओ ना आप। हाँ बताओ। रोज तेरे नाल गल्ला करके सोन दी आदत पै गई, नाम तेरे ते गीत बना के गाउन दी आदत पै गई। क्या बात है, उसे गाने की तरह गाओ ना इसको। बस मुझे इतना आता है, यार मुझे सॉन्ग्स नहीं आते। चलो कोई अच्छी बात आवाम को बता। अच्छी बात यही है कि वफादार हम बहुत हैं, जो हमारे साथ वफादार उसके साथ वफादार ही हैं। मरने से 2 दफा बचे? आप मरने से 2 दफा बचे हो कैसे? एक दफा मुझे फायर लगा पेट में, और एक दफा मैंने खुद गोलियां खा ली थी। एक दफा फायर लगा पेट में,
एक दफा खुद खुदकुशी करने की गोलियां खा ली। क्यों? बस घर में लड़ाई हुई। फायर क्यों लगा? फायर वो भाई से कत्ल हो गया था ना, उनकी जमानत हुई तो वो मेरे मार गया घर के। उन्होंने आपको मार दिया? अल्लाह ने बचाया। हाँ जी, इधर लगा पेट में। और गोलियां क्यों खाई? वो घर में लड़ाई हुई थी पापा के साथ। तो ये जज्बाती होना अच्छी बात है? नहीं, वैसे जो भी अल्लाह करे बंदा सोच समझ के करे। अल्लाह ताला ने इसको दो दफा जिंदगी नहीं दी है, अब तीसरी दफा ये हरकत करेगा ना फिर इसको नई जिंदगी नहीं मिलनी। तीसरी जिंदगी जी रहा है ये, डॉक्टर ने बताया नहीं है ना उसे वो वाली गोली असर करती ना ये वाली गोली। मौत के मुंह से वापस आया ये। आपको लंबी जिंदगी दे। जी तो नाज़रीन हमारे हुए थे अमाना मॉल में, और जैसा कि आपने देखा आज की जो हमारी पहेली थी वो ये थी कि वो ऐसी क्या चीज है जो दोनों से गंदी हो जाती है, और जो दूसरी पहेली थी वो ये थी कि इंसान एक दिन में कितनी दफा सांस ले सकता है। तो आई होप सो कि आपको आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।